करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कैन प्रोड्यूस, देखिए बच्चों कॉन्वेक्स लेंथ है आपके पास, सॉरी कॉन्वेक्स लेंथ है और इसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बना लेते हैं डायग्राम, देखिए कुछ इस तरीके की स्टूडेंट्स कंडीशन होगी, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ये, ठीक। और इसकी फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ कहीं फोकस होगा, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है 20 है। माइनस साइन, दो फोकल होते थे याद है, एक ये लेंस के फ्रंट में और एक लेंस के बिहाइंड, हमने आपको दो फोकस क्लास में पढ़ाए थे ना, और इसका अगर आप 2 टाइम्स कर दोगे फोकल लेंथ का तो आपको एक पॉइंट मिलता था जिसको आप 2f बोलते थे, तो इधर भी आपको क्या मिल जाएगा 2f मिल जाएगा, याद आया कुछ ये केस, ठीक है। तो आप चाहे ये वाली डिस्टेंस बोल दो O to F वाली फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और आप चाहे इसको बोल दो बात क्या है सेम, तो ये डिस्टेंस हो गई बच्चों कितनी 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम आपको यहाँ पे दिखा दें तो कुछ इस तरीके से हम आपको दिखाएंगे ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई डाउट है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि भाई ये लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहे कैन प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड वर्चुअल, ध्यान दें बच्चों कह रहा है कि मैग्नीफाइड होना चाहिए, फोकस करिए, मैग्नीफाइड होना चाहिए और वर्चुअल होना चाहिए, एज वेल एज मतलब साथ में ही क्या होना चाहिए रियल होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ने का यहाँ पर बच्चों तरीका, आप में कला होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने की, यहाँ पर एक आर्ट होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने में, और अगर आपने चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है बच्चों तो आपने देखा होगा जब रियल बनती थी तो इन्वर्टेड बनती थी, रियल इमेज जब बनती थी तो रेज सच में मीट करती थी किसी स्क्रीन पे, क्लास में हमने आपको बताया था, और वर्चुअल इमेज तब बनती थी जब रेज ब्रेन को कहीं पे मीट करते हुए नजर आती थी, ये बात हमने क्लास में बताई है। तो एक बात बताइए बच्चों, रेज सच में कहीं पे मीट कर रही हैं और रेज मीट करते हुए ब्रेन को समझ में आ रही है, हमारी आंखों को समझ में आ रही है मीट करते हुए, तो दोनों बातों में डिफरेंस है कि नहीं है, मतलब कि अगर वर्चुअल बनेगा तो रियल बन नहीं सकता, सही बात है, और अगर रियल इमेज बनेगा तो वर्चुअल बन नहीं सकता, दोनों एक साथ नहीं बनेगी, रियल और वर्चुअल साथ में नहीं बनेंगी, या तो रियल इमेज बन रही होगी और रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी होगी, और अगर वर्चुअल है बच्चों तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट शब्द लगाते थे हम याद है, वर्चुअल में रेज मीट करते हुए नजर आ रही होंगी ब्रेन को, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट, इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसी ही इमेज बनेगी, हाँ छोटी या बड़ी हो सकती है वो तो अलग बात है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, अगर आप इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूज है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैग्नीफाइड होने के साथ साथ रियल एज वेल एज वर्चुअल हो या मैग्नीफाइड वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज हो, तो आप गलत हैं, आप इस क्वेश्चन को पहले ठीक से पढ़िए, क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि भाई एक बार तो हमको ये बता दो कि मैग्नीफाइड के साथ क्या वर्चुअल बना सकता है ये, हाँ बना सकता है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस में वो मैग्नीफाइड कर देता है और वर्चुअल इमेज भी बनती है, ये भी एक केस होता है। तो बच्चों देखिए दो केसेस यहां पर निकल के आ रहे हैं, यहां मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, फर्स्ट केस क्या है बताइए, मैग्नीफाइड के साथ क्या होना चाहिए वर्चुअल, ठीक, और दूसरा केस आपको ऐसे पढ़ना है कि मैग्नीफाइड एज वेल एज लगाए ना, तो मैग्नीफाइड एज वेल एज रियल, तो दूसरा केस क्या है यहां पर, मैग्नीफाइड एज वेल एज व्हाट रियल। तो क्वेश्चन को पढ़ने का पहले आप तरीका सुधार लीजिए, समझ में आया ना, क्योंकि हमने स्टडी करी हुई है तो हमें पता है बच्चों कि रियल के साथ वर्चुअल बन नहीं सकता, एक साथ थोड़ी ना दोनों बन जाएंगी, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सेपरेट कर लिया, यानी कि यही दो क्वेश्चन पूछे हैं घुमा के आपसे कि क्या ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कर सकता है क्या मैग्नीफाइड और वर्चुअल कर दे, और क्या ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कर सकता है कि मैग्नीफाइड और क्या कर दे रियल कर दे, हाँ स्टूडेंट्स ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा कर सकता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए केस नंबर 1 हम आपको बच्चों यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं, याद करिए स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड और वर्चुअल कब कर देता था, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पे भी रखते थे, बीच में का मतलब जस्ट एकदम मिडिल पॉइंट पे नहीं, आप कहीं पे भी रख दो। तो याद होगा स्टूडेंट्स आपको, यहाँ पे देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का नामकरण कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, याद आया आपको, बस अब कुछ नहीं करना है, एक रे पैरेलल ले जाइए, पॉइंट ए की इमेज बनाते थे ना, तो ए से एक रे पैरेलल ले जाइए और पैरेलल रे बच्चों आफ्टर द रिफ्रेक्शन कहाँ से जाएगी बताइए, फोकस से पास करेगी, याद है आपको, और दूसरी रे स्टूडेंट्स आप लोग ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से ले जाते थे और ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से जो जाती है वो स्ट्रेट ही निकल जाती है आफ्टर द रिफ्रेक्शन, मतलब कुछ इस तरीके की स्थिति होती थी बच्चों। और यहाँ पर यदि आप आइज़ लगा के देखेंगे तो अगर ये मार्कर बच्चों यहाँ पे रखा हुआ है तो ये मार्कर आपको कहीं यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, बट कैसा दिखाई पड़ेगा, बड़ा दिखाई पड़ेगा, तो मैग्नीफाइड हो गया और साथ में वर्चुअल, क्यों वर्चुअल हो गया, जब आइज लगा के यहाँ पे आपने देखा तो ब्रेन ने इन दोनों रेस को क्या किया, बैक ट्रेस किया, तो आपकी आइज ने या ब्रेन ने कुछ भी बोल दो उसको ऐसा बच्चों बैक ट्रेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं देखिए बच्चों ये रेस मीट होते हुए नजर आएंगी, ठीक है, ब्रेन को लगेगा ये वाली रे यहाँ से आ रही है
और ये वाली रे यहाँ से आ रही है, तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा वहीं पर पॉइंट ए की इमेज बन जाएगी ब्रेन में कि हाँ भाई उसको लगेगा कि ए की इमेज यहाँ पर है, तो ए डैश पे बच्चों ए की इमेज होगी। तो इसके नीचे वाला जो पॉइंट है उसकी इमेज यहाँ होगी, इसके नीचे वाला इस तरीके से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो बी की इमेज स्टूडेंट्स यहाँ कहीं पर होगी। अब देखिए यहाँ बात यह है कि सर क्या 2F पे ही होगी? नहीं बच्चों, ये तो हमने आपको बस दिखाया था, ठीक है, ये कहीं भी हो सकती है, बट हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई क्या कि मैग्नीफाइड, वो तो डिपेंड करता ना आपने ओ और एफ के में कहाँ रखा है, वो तो अलग बात है, ठीक है। तो आपने देखिए बच्चों ये क्या हो गया, बताइए कैसी बनी, मैग्नीफाइड प्लस वर्चुअल बनी। अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, उन्होंने बोला था इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर इज येस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है इफ येस, अगर हाँ तो वेयर शैल द ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ईच केस। यहां पे हिंट दिया है कि हम दो केसेस पूछ रहे हैं आपसे, तो केस वन में आपने ऑब्जेक्ट कहां रखना है, तो जवाब है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यानी कि बच्चों लेंस से जो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है उस 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के विदिन रखना है, मतलब विदिन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब इस बात को आप कैसे लिखोगे, आप एग्जाम में इस बात को आप ऐसे नहीं लिखोगे कि बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, नहीं, क्योंकि इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू देके पूछा है, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू देके ही जवाब दें। तो पार्ट वन का जवाब बच्चों ऐसे दे दीजिए कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस विद इन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इस बात का क्या मतलब है कि विद इन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब कि लेंस से बच्चों ये रहा 20 सेंटीमीटर, आप विद इन रख दो, मतलब लेंस से और ये 20 सेंटीमीटर यहां खत्म होता है, तो इसके विद इन रख दो, विद इन मतलब बीच में कहीं पे भी रख दो, कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से जवाब देंगे हम एग्जाम में, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ उसने पूछा था, तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही तो आंसर दूंगा। बात समझ में, पहला पार्ट समझ में आ गया। अब हाँ, तो स्टूडेंट्स अब जो दूसरा पार्ट है वो कैसा है बताइए, मैग्नीफाइड होना चाहिए और बताइए कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और ये केस था स्टूडेंट जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते थे, देखिए रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा जरूर, तो जब कॉन्वेक्स लेंस में आप ऑब्जेक्ट को फोकस और 2F के बीच में रखते थे, याद होगा आपको शायद। आइए हम आपको बच्चों थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको याद आ जाएगा। ये देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ कहीं, ठीक है, और ये देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा नाप के मैं अंदाज़ा ले रहा हूँ, यहाँ पे F है, ठीक, तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ पे भी कहीं F होगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना क्या हो जाएगा बताइए, 2F हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 2F हो जाएगा, सही है। अब ऑब्जेक्ट, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये पॉइंट O से F तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो O से लेके 2F तक की कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से बच्चे आप फोकस करिए, ये हो गया आपका 20 इतना, ठीक, और ये हो गया कितना 40, यहाँ से यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से 2F तक। और ऑब्जेक्ट को अगर आप F और 2F के बीच में रख दें, F और 2F के बीच में बच्चों अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब सपोज AB, ये मार्कर ऐसा रखा आपने, अब क्या करना है, एक रे पैरेलल ले जाएंगे, तो कहाँ से पास होगी ये, फोकस से, तो ये देखिए यहाँ से हमने पैरेलल किया, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, तो ये हमारी कहाँ से निकलती है, ये ऐसे फोकस से चली गई, ठीक। और दूसरी रे आप कहाँ से लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर के निशाने से, अगर आप देखिए बच्चों जगह ना कम पड़ जाए कहीं, देखते हैं ये बंद हो गया ये, ठीक, तो ये दोनों रे बच्चों यहाँ पर मीट कर रही है ना इस पॉइंट पे, तो बताइए ए की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी कि नहीं बनेगी, ए डैश, ठीक, तो ए के जस्ट नीचे वाले पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी, क्योंकि ए इन्वर्ट हो गया, ए डैश, ए ऐसा था, देखो मार्कर ऐसा है तो ऐसा बनेगा, ठीक। तो ये देखिए इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, उसको डार्क कर देंगे, क्योंकि कैसी है ये, रियल है, रियल क्यों है, सच में रेज मीट कर रही है ना, तो बी बच्चों ये जो पॉइंट बी है इसकी इमेज यहाँ पर मिलेगी कि नहीं, बी डैश बताइए, अब मुझे देख के बताइए ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, बताइए मैग्नीफाइड हो गया कि नहीं हो गया, हाँ ऑब्जेक्ट ये देखिए पिद्दी सा छोटा सा इतना, और ये इमेज हो गई बड़ी सी, बात समझ आई कि नहीं, तो मैग्नीफाइड हो गया, और चेक कर लीजिए रियल है ना, तो मुझे बताइए ऑब्जेक्ट रखा कहाँ आपने, तो ऑब्जेक्ट रखना आपने F और 2F के बीच में, लेकिन सवाल ये है क्या जवाब हम ऐसे देंगे कि F और 2F के बीच में, नहीं, जवाब हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ देंगे, क्योंकि उसने न्यूमेरिकल वैल्यू देकर हमसे पूछा था, तो हम बोलेंगे क्या कि एंड बिटवीन द 20 एंड, सेकेंड केस में क्या करेंगे, 20 एंड 40 के बीच में क्या होता है बताओ, ये रहा 20 और ये रहा 40, 20 और 40 के बीच में यहाँ कहीं, सॉरी ये रहा 20 और ये रहा 40, 20 ये 20 और ये 40, 40 20 के विदिन, विदिन तो नहीं बोल सकते हम, बिटवीन बोलेंगे, मतलब जहां पे 20 खत्म होता है यहां, और जहां पे 40 खत्म होता है, तो जहां 20 का एंड पॉइंट है और जहां 40 का एंड पॉइंट है उसके बीच में आप कहीं पे भी रख दीजिए, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो इस तरीके से बच्चों आंसर करना है, रे डायग्राम आपको ये दोनों वहां पर बना के दिखाने हैं, ठीक है, बस आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, 2 मार्कर क्वेश्चन है, कर लीजिए।